जैन भक्त असलेल्या सुभद्रा यांचा विवाहाचा एक प्रसंग ज्यामध्ये बुद्धदेवाने सुभद्रांच्या सौंदर्याची चर्चा ऐकून तिच्याकडे आकर्षित होता आणि तिला मिळवण्याकरिता जैन भक्त असल्याचे भासून तिची फसवणूक करून विवाह करतात। मात्र लग्नानंतर सुभद्रा तिच्या संस्कारवर मात्र ठाम राहते आणि जैन धर्माचे पालन करीत असते। जैन धर्माची उपासना ती करत असते। एका दिवशी साधू महाराज जेवायला येतात तेव्हा सुभद्राचा टिळक साधू महाराजांच्या कपाळाला लागते आणि तोच त्यांच्या चरित्रावर कलंकाचा विषय बनतो। मग तो कलंक सुभद्रा आणि मुनी महाराज कसे निर्दोष करतात हे सर्व येणाऱ्या 3 सप्टेंबरला नाटकातून सादर करण्यात येणार आहे। या नाटकात सती सुभद्राची भूमिका अर्णिका भंसाळी साकारणार आहे तर रुचिता सांबरा बुद्धदेवांची भूमिका साकारणार आहे। हे नाटक शहरातील राजीबाई जैन श्वेतांबर मंदिरात आयोजित असून पूज्य साध्वी स्मित पूर्णा श्रीजी मसा आदि ठाणा सहा यांच्या सानिध्यात साकारण्यात येणार आहेत। या नाटिकेचे थेट प्रक्षेपण आमच्या सिटी न्यूजकडे थेट राहणार आहेत। आमच्या सिटी न्यूज चॅनल सोशल मीडियावर सुद्धा थेट प्रक्षेपण करण्यात येणार असून याचा देश विदेशातील जैन समाज बांधव याचा लाभ घेणार आहे। अमरावती श्री संघ में स्थित श्री राजीबाई जैन मंदिर का ये परम सौभाग्य का विषय है कि आचार्य देवश्री हेमप्रभ सुरेश्वर जी महाराज साहब की आज्ञा निवर्तने सहज सरल हृदया साध्वी श्री मुक्ति प्रिया श्री जी महाराज साहब की सुशिष्याएं साध्वी श्री स्मितपूर्ण श्री जी महाराज साहब आदि खाना छह का सौभाग्य पावन सानिध्य हमें मिला है। यह अमरावती श्री संघ का सौभाग्य है कि यहाँ पर प्रतिदिन उनकी निष्ठा में नित नए आयोजन होते जा रहे हैं। चातुर्मासिक प्रवचन श्रृंखला भी बहुत ही अच्छी तरह से चल रही है। महाराज साहब के चातुर्मासिक प्रवचन श्रृंखला में एक बार उन्होंने महासतियों का वर्णन करते हुए महासती श्री सुभद्रा देवी के बारे में हमें बताया। सुभद्रा का चरित्र ऐसा है कि जिनके बारे में कई लोगों को जानकारी है और कई लोगों को जानकारी नहीं है। कहा जाए तो इतिहास के झरकों में छिपी हुई एक ऐसी कथा है जिसके विषय में बहुत कुछ लोगों को जानकारी नहीं है कि किस प्रकार सुभद्रा ने अपने जीवन में प्रतिकूल वातावरण में भी धर्म की शरण को छोड़ा नहीं और सभी को वो अपने मधुर व्यवहार से प्रेम में स्नेह से सेवा से धर्म के प्रति अनुकूल करने का प्रयास करती रही। परंतु जब पानी सर पर चढ़ गया और उनके चरित्र पर मुनि के साथ समागम का जब निर्दोष कलंक लगा तब उनके मुनि को और स्वयं को निर्दोष साबित करने के लिए उन्होंने शासन माता की आराधना की और उस आराधना के फलस्वरूप वहाँ नगर में क्या क्या घटित हुआ इन सभी दृश्यों का कल्पना करके हमने एक नाटिका तैयार की है जिसमें श्रीमती राजीबाई श्री संघ की समस्त बहू बेटियां वहां पर उस नाटिका में पात्रों का अभिनय करेंगी और अपने अभिनय के माध्यम से उस घटना को यहां पर जीवंत करने का प्रयास करेगी। तो हमारे श्री संघ के सभी सदस्यों से सादर अनुरोध है कि इस दुर्लभ नाटिका को यहां पर जो दृश्यांकन हो रहा है उसे अवलोकन करने के लिए रविवार 3 तारीख को दोपहर 2 बजे यहाँ पर पधारे एवं इस नाटिका के दृश्यांकन में अपना सहभागी बनकर उस महासती की यश गाथा को जीवन गाथा को यहाँ पर अनुभूत करें और उनके गुणानुवाद में अपनी उपस्थिति यहाँ पर अवश्य दर्ज करवाएं।